Assalamu alaikum, class 1. How are you all? I hope you're fit and fine. My name is Amna Sheikh and I am your English teacher, class 1. हमने ऑफ द जू का चैप्टर पढ़ा था ना, आज हम उसकी वर्किंग करेंगे. सबसे पहले आपको प्रीवियस वर्क कंप्लीट करना है स्टूडेंट कॉपी में, फिर देन पोम का काम करना है, पोम की टाइटल पेज बनाना है, ऑफ द जू का टाइटल पेज बनाना है, कंटेंट लिखना है ब्लू कलर से, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, इसको लिखना है आपको पेंसिल से. वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग करने हैं, वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग ब्लू कलर से डालनी है, वर्ड्स पेंसिल से लिखने हैं, मीनिंग भी पेंसिल से लिखनी है. फर्स्ट वर्ड है जू, जू के मीनिंग है चिड़ियाघर. गोइंग जाना, वेयरिंग पहनना, ज्वाइन शमूलियत, फन मजा. वर्ड्स मीनिंग आपने कर लिए, फिर नेक्स्ट पेज पे आपको वर्ड सेंटेंस की हेडिंग डालनी है. वर्ड सेंटेंस की हेडिंग ब्लू कलर से डालेंगे. फर्स्ट वर्ड है जू, इसका सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द जू, के मैं चिड़ियाघर जा रही हूँ. कैंगरू, आई लाइक कैंगरू, के मुझे कैंगरू पसंद है. सी, सी मीन्स देखना. आई सी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द जू, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जू में. ट्री, आई लव कोकोनट्स ट्री, मुझे नारियल का दर्ख पसंद है. शूज, माई शूज कलर इज ब्लू, मेरे जूतों का रंग कितना कैसा है, ब्लू रंग का. आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी. मैं वापस रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट क्लास वन, आपको सबसे पहले अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करना है, देन पोम का टाइटल पेज बनाना है, उनका नाम है ऑफ द जू, फिर कंटेंट लिखने हैं ब्लू कलर से, उसकी कंटेंट की हेडिंग डालनी है, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज पेंसिल से लिखनी है. वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स मीनिंग करेंगे, उसकी हेडिंग ब्लू कलर से डालनी है, वर्ड्स और मीनिंग पेंसिल से लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड है जू यानी चिड़ियाघर, गोइंग जाना, वियरिंग पहनना, ज्वाइन शमूलियत, फन मजा. फिर नेक्स्ट पेज पे आप करेंगे वर्ड सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस की एडिंग ब्लू से डालेंगे आप. जू, फर्स्ट वर्ड है जू, आई एम गोइंग टू द जू. कैंगरू, आई लाइक कैंगरू. सी, आई सी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द जू. ट्री, आई लव कोकोनट्स ट्री. शूज, माई शूज कलर इज ब्लू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा काम. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.